अपराध और अपराधियों पर शिंजा कसते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने खुलासा करते हुए बताया कि विगत 18 जुलाई को बदमाश एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर सोने चांदी के आभूषण लूटे गए थे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। तभी 22 जुलाई की रात्रि के समय प्रेमंगा थाना पुलिस व स्वॉट टीम दबिश पर थी। आ रहे व्यक्ति को पुलिस ने रोका तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें बदमाश को पैर में गोली जा लगी। को बता दें कि लगभग 4 दिवस पूर्व थाना प्रेमनगर में रात्रि में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, सारी टीमें पहुंची थी। उसमें हालांकि अपराधी ने काफ़ी शातिर तरीके से बिना किसी वेरिफिकेशन के वहां पर कमरा ले लिया था, और जो मृतका थी उसकी पुत्री का कहना था कि उनके किराएदारों ने उसकी हत्या करी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी, उसमें कई तथ्य पुलिस के सामने आए, जांच पड़ताल हुई। उसमें एक महत्वपूर्ण क्लू कचरे में पड़ा हुआ एक डब्बा मिला था। उस डब्बे के माध्यम से पुलिस अपराधियों तक पहुंची, इन्वेस्टिगेशन करी। रात्रि में हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो 4 दिन पूर्व बुजुर्ग महिला की हत्या जिस व्यक्ति ने करी है, वो हो सकता है कि यहाँ आया हो। तो पुलिस ने घेराबंदी करी, रोक टोक करी, पूछताछ करी, तो उसने फायर किया। बदले में पुलिस ने भी फायर किया तो उस बदमाश को गोली लगी। पूछताछ में उसने ये बात बताई कि 4 दिवस पूर्व उसने बुजुर्ग महिला की हत्या अपनी एक साथिन के साथ करी थी, और वो माल छुपाकर आज उसे लेने आया था। तो पुलिस के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया है, हमारी प्रेमनगर और स्वाट टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। उनको 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है।